शिक्षक साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष अर्थात शिक्षा सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति का कार्य किस प्रकार से करना है, कार्य करने का क्रम क्या होगा, अर्थात सबसे पहले कौन सा कार्य करना है, उसके पश्चात कौन सा कार्य करना होगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच साझा किया जा रहा है। वीडियो बहुत उपयोगी है। वीडियो पर आगे बढ़े इससे पहले विनम्र आग्रह है कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0, जिसमें आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो आते हैं, अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच पाएगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, इससे आपका सपोर्ट हमें प्राप्त होगा और आपके द्वारा प्राप्त सपोर्ट आगे कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो चलिए बात करते हैं कि छात्रवृत्ति का कार्य किस प्रकार से शुरुआत करना है। तो सबसे पहले आप गूगल को ओपन करेंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे स्कूल स्कॉलरशिप। टाइप करने के पश्चात सर्च कीजिएगा, यहाँ से छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल जो लिखा हुआ है इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको बता दें कि यहाँ पर यूजर मैनुअल भी दिया गया है कि कैसे इसमें कार्य करना है। इसके लिए आप होम पेज पर जा कर के यहाँ से यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इस प्रकार से PDF आपको मिलेगा जिसे पूरी जानकारी लिखित रूप से बताया गया है कि कैसे कैसे कार्य करना है। प्रैक्टिकल हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, यहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के पश्चात लॉगिन को क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करते ही ये पेज सामने आएगा, ठीक है। अब इसमें यूजर लॉगिन जो दिया गया है उसी में आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन ID को फिल कीजिएगा, उसके पश्चात पासवर्ड को, आपने पासवर्ड और लॉगिन ID को अपने पास सुरक्षित रखा होगा और नहीं रखे होंगे, पासवर्ड भूल गए होंगे तो भी आप कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में बता देंगे कैसे पासवर्ड प्राप्त करना है, ठीक है। वैसे आपको यह बताना चाहूँगा कि बहुत से कार्य अब ऑनलाइन हो रहे हैं तो ID और पासवर्ड को सुरक्षित एक जगह डायरी में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। हमने पासवर्ड फिल कर दिया, फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उसको फिल करेंगे, फिर यहाँ पर लॉगिन को क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही इस प्रकार से पेज पर आप पहुंचेंगे। यहाँ देख सकते लिखा हुआ है आपके विद्यालय में निम्नलिखित विद्यार्थियों के खाता सुधार लंबित है, कृपया यथाशीघ्र सुधार करें। तो यहाँ पर सत्र के साथ यदि कोई संख्यात्मक जानकारी दी होगी तो आपके स्कूल में लंबित प्रकरण है, अगर नहीं है जैसे हमारे स्कूल का है तो यहाँ पर कोई लंबित प्रकरण नहीं है, यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के पश्चात पहला कार्य कौन सा करना है, इसके लिए जो यूजर मैनुअल है उसको देखिएगा। इसमें पहला काम बताया गया है पंजीयन करने के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले चुके विद्यार्थियों को निरस्त करना। ये कैसे होगा देखिए, ठीक है, ये कार्य पहले करना है। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर मेन्यू बार आपको मिलेगा, वहाँ पर पंजीयन 2023-24 लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे लिखा हुआ है पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करें, इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, यह क्या चीज़ है इस पर चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों का नाम है और उसके साथ जो है कक्षा दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह पाएंगे कि जो विद्यार्थी पिछले वर्ष कक्षा चौथी में थे वो अब कक्षा पाँचवीं दिखा रहे हैं, जो कक्षा तीसरी में थे वो चौथी दिखाई दे रहे हैं और जो कक्षा पाँचवीं में थे वो इस बार कक्षा छठवीं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात इस पोर्टल में उनके नाम को प्रमोट कर दिया गया है कक्षा के अनुसार से। अब क्या होगा कि जो विद्यार्थी हमारे स्कूल से पढ़ के निकल चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर कक्षा छठवीं जो दिखाई दे रहे हैं, ये पास आउट होकर के नए स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं, तो अब इनकी जो छात्रवृत्ति है उनके स्कूल से प्राप्त होगा। तो वहाँ पर कोई नया पंजीयन उसको करना नहीं पड़ेगा शिक्षक को, सबसे पहले इसी से जो है उनका पंजीयन होगा। तो यहाँ से निरस्त होगा, निरस्त होने के पश्चात उनके स्कूल के ID से इनको ऐड किया जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आप जो है अपने स्कूल के इस ID इस पोर्टल से, ठीक है, स्कूल की सूची से इन विद्यार्थियों को आप निरस्त करेंगे। जैसे कक्षा छठवीं जा चुकी है तो यहाँ पर निरस्त करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार यह विद्यार्थी भी छठवीं जा चुकी है तो उसके बाद में देख सकते हैं निरस्त करें लिखा हुआ, निरस्त करें को क्लिक कर देंगे, उसके पश्चात यहाँ पर निरस्त करें को क्लिक करें। अर्थात जितने भी विद्यार्थी आपके स्कूल को छोड़ चुके हैं उसके नाम के बाजू में जो निरस्त करने का ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ अन्य कक्षाओं का भी देख लीजिएगा यहाँ पर नाम के अनुसार से, हो सकता है कोई विद्यार्थी आपके स्कूल से TC लेकर के अन्य स्कूल जा चुके हो, ठीक है, उसका शाला परिवर्तन करना है। शाला परिवर्तन करने का कार्य किस प्रकार से होगा देखेंगे।
तो सबसे पहले आप जितने भी बच्चे आपके स्कूल से जा चुके हैं टीसी लेकर के, उन सभी का नाम यहाँ से निरस्त करेंगे। अब हो सकता है निरस्त करते करते कुछ ऐसे विद्यार्थी का निरस्त हो जाए, जैसे यहाँ पे रीना लिखा हुआ है, निरस्त हो गया, ठीक है। अब ये बाई मिस्टेक हुआ है, इसको हमको निरस्त नहीं करना था, तो यहाँ पे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो रीस्टोर करने के लिए यहाँ पर देखेंगे हेल्प का ऑप्शन है, ठीक है। हेल्प के ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, हेल्प में देखेंगे यहाँ पर निरस्त विद्यार्थियों को रीस्टोर करें एक ऑप्शन आता है, इसे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के पश्चात जिस विद्यार्थी का बाई मिस्टेक आपने निरस्त किया है उसके नाम को ढूंढिएगा, जैसे यहाँ पर है, उसे यहाँ से रीस्टोर कर सकेंगे। रीस्टोर करते ही वापस मूल सूची में वहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला कार्य है, ठीक है, पहला कार्य हो गया। अब उसके पश्चात जो दूसरा कार्य है वो है विद्यार्थी का शाला परिवर्तन करें। वो क्या चीज़ है समझिए, होता यह है कि बीच की कक्षा में अर्थात चौथी में या पाँचवीं में डायरेक्ट आपके स्कूल में कोई अन्य स्कूल के विद्यार्थी टीसी लेकर आते हैं और भर्ती हो जाते हैं, तो उस विद्यार्थी का पूरा जानकारी पोर्टल पर पहले से है, केवल उसका स्कूल बदला हुआ है ना। तो यहाँ पर हम उसका नया फॉर्म नहीं भरेंगे, केवल उसके शाला का परिवर्तन करेंगे। मान लीजिए आपके स्कूल में कुछ ऐसा केस है कि कोई विद्यार्थी है ना आपके स्कूल में कक्षा चौथी में इस वर्ष दाखिला ले लिया, ठीक है, तो उसको पोर्टल में जोड़ने के लिए यहाँ पर उस विद्यार्थी के कोड को जो यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो कोड क्या होगा, अभी आपने जो निरस्त किया सूची में उसमें देखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी के नाम के आगे उसका कोड था, उसी कोड को यहाँ पर लिखना है। तो निरस्त करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका जो है कोड आपके पास रहेगा, और इसी के साथ साथ जिस स्कूल से विद्यार्थी आपके पास आए हैं उनका विद्यार्थी कोड उसके स्कूल से पता कर लीजिएगा, ठीक है। अगर विद्यार्थी कोड पता नहीं चलता है तो विद्यार्थी के नाम को लिख करके, ठीक है, हो सकता है नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा हो तो यहाँ पर डायरेक्ट खाता क्रमांक से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी का यहाँ पर अगर लिखता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए मैं किसी विद्यार्थी के कोड को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कोड हमने लिख दिया। उसके पश्चात यहाँ पर जानकारी देखे को क्लिक करेंगे, इस विद्यार्थी को अब अपने स्कूल में जोड़ना है। हालांकि यह मेरे स्कूल के ही विद्यार्थी जो पहले से जुड़ चुके हैं, लेकिन केवल प्रक्रिया के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस विद्यार्थी को जोड़ना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट को क्लिक करेंगे। नए विद्यार्थी होंगे तो निश्चित तौर पर सक्सेसफुली करके मैसेज आएगा, लेकिन यह विद्यार्थी पहले से हमारे स्कूल में मौजूद है तो इस प्रकार से यह मैसेज आया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में आपको दो कार्य करना है। पहला, आपके स्कूल में जितने भी विद्यार्थी पढ़ के निकल चुके हैं उसका नाम निरस्त करना है, और आपके स्कूल में अन्य स्कूल से कोई विद्यार्थी आकर एडमिशन लिए हैं तो उस विद्यार्थी के शाला का परिवर्तन करना है। ये दो कार्य करने के पश्चात जो अगला कार्य है इस बार, वह है फॉर्मेट बी को अपलोड करना, प्रतिवेदन को। तो कक्षावार सारांश प्रतिवेदन, फॉर्मेट बी की प्रविष्टि तथा छात्रवृत्ति प्रभारी की जानकारी अपडेट करें। हो सकता है आपके स्कूल में छात्रवृत्ति प्रभारी चेंज हो चुके हो तो उनके नाम को भी आपको अपडेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ये पेज सामने आएगा, इसमें आप जिस शिक्षक का नाम बदलना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम है, यहाँ पे जिस शिक्षक का नाम है, हो सकता है आपके स्कूल से वो जा चुके हों ट्रांसफ़र से या प्रमोशन से या किसी अन्य कारण से, तो उसके बदले आपने नए शिक्षक को जो है प्रभार सौंपे होंगे छात्रवृत्ति प्रभारी का, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंट्री करेंगे, उसका ईमेल आईडी, ठीक है, ये छात्रवृत्ति प्रभारी की जानकारी अपडेट यहाँ से हो जाएगा। उसके पश्चात आपको करना क्या है कि कक्षा 3 से 5 तक के प्रत्येक कक्षा के सारांश प्रतिवेदन यहाँ पर भरना है। तो इस बार सारांश प्रतिवेदन भरने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो रहा है, इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इसकी जो निर्देशिका है उसमें स्पष्ट कहा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ, सत्र 2023-24 में प्रत्येक विद्यालय को कक्षा तथा जातिवार सारांश प्रतिवेदन भरना है। सारांश प्रतिवेदन में विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, विद्यार्थियों की संख्या पोर्टल में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के बराबर या अधिक होनी चाहिए। तो देखिए, या अधिक अगर शब्द दिया है, इसका अर्थ यह हो सकता है कि इस बार पूरे दर्ज संख्या को इसमें मांगा जा रहा हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फर्म नहीं हूँ मैं, कन्फ्यूजन है, इसलिए इसके बारे में मैं आगे अगले वीडियो पर बात करूँगा जब इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है मेरे से पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो तो निश्चित तौर पर कमेंट कीजिएगा कि फॉर्मेट बी में इस बार कौन सा आंकड़ा को भरना है,
केवल छात्रवृत्ति प्राप्त होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को या पूरी दर्ज संख्या को, क्योंकि यहाँ पर जो निर्देशिका है उसमें यह जो शब्द है अधिक होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जानकारी प्राप्त हो जाती है आपके बीच हम अपडेट लेकर आएंगे, और आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप शेयर कीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और इसका पार्ट टू जल्द ही आएगा। पहले आप इतना काम कर लीजिएगा, निरस्त करने का कार्य और विद्यार्थी का शाला परिवर्तन करने का कार्य। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।